नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। यूपी के बहराइच में नरभक्षी भेड़िया का आतंक चरम पर है। आए दिन खुकार भेड़िया घरों में घुसकर मासूम बच्चों को निवाला बना रहा है। भेड़िए के हमले से अब तक 32 लोग घायल हो चुके हैं, तो वहीं 4 मासूम को भेड़िया अपना निवाला बना चुका है। मासूम बच्चों के शत प्रतिशत शव परिजनों को सुबह खेतों में मिले हैं। आपको बताते चले कि जनपद बहराइच का घाघरा कछार इस समय भेड़िए के आतंक में थर्राया हुआ है। खुकार भेड़िए का कुनबा आए दिन रिहायशी इलाकों के घरों में घुसकर लोगों पर हमला है और सबसे ज्यादा प्रभावित थाना हरदी क्षेत्र है। बीते कुछ दिनों में भेड़िए ने घरों में घुसकर 4 मासूम बच्चों को अपना निवाला बना लिया है, तो वहीं आदमखोर भेड़िए ने अब तक 32 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। वन विभाग कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर खोजबीन में जुट चुका है, परंतु खुकार भेड़िए का कुनबा पकड़ से बाहर है। भेड़िए के हमले से लगातार हो रही मासूम बच्चों की मौतों का संज्ञान लेकर मुखिया वन्यजीव संरक्षक रेणु सिंह ने 2 सप्ताह पूर्व क्षेत्र का दौरा कर खुकार भेड़िए को 24 घंटे में पकड़ने के कड़े निर्देश दिए थे, जिस पर जैसे तैसे कर शनिवार को वन विभाग ने एक भेड़िए को पकड़ भी लिया, लेकिन उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसी ठीक स्थान से 100 मीटर की दूरी पर बसे सिरसैया चुरामनी में 10 घंटे के भीतर ही आदमखोर भेड़िए ने घर में घुसकर 8 वर्षीय कृष्ण को निवाला बना लिया है, जिसका शत प्रतिशत हालत में शव गन्ने के खेत में प्राप्त हुआ है। आज भी घटना हुई है, मासूम बच्चे को शिकार बनाया है। के महसी क्षेत्र में यहाँ पर लोग गन्नों की खेती ज़्यादा करते हैं और भेड़ियों की संख्या, बगल में कछार है, सरजू जी का क्षेत्र है, तो वहाँ भेड़ियों की संख्या, वो उनका नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ वो प्राकृतिक रूप से रहते हैं। तो भेड़िया आम तौर पर बच्चों पर हमला या आदमियों पर हमला नहीं करते। एकाध भेड़िया जो एक्सेप्शन केस में जो किसी कारण से लंगड़े हो जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं, या किसी कारण से उतना उनके अंदर शक्ति नहीं रहती कि वो शिकार कर सकें, तो वो गांव के क्षेत्र में जा कर के और आसान शिकार ढूंढने का प्रयास करते हैं। ऐसे में जब गांव में कोई व्यक्ति को अपने बच्चों को लेकर के या केवल बच्चे बाहर सो रहे होते हैं, तो उनको आसान शिकार बना लेते हैं और ऐसी स्थिति में वो ये समस्या उत्पन्न हुई है। हम अभी जब से आप बता रहे हैं कि 4 मार्च से अब तक हमने भेड़िया भी पकड़े हैं बीच में, और पकड़ने के बाद फिर बीच में बंद था, कोई घटना नहीं हुई। फिर इसके बाद अचानक कोई भेड़िया इस तरीके से सक्रिय हुआ और तो हमारी जानकारी में 4 घटनाएं हैं, जिसमें 2 को घायल किया था और 2 बच्चों को मार दिया है। तो उनका लोकेशन आज हम लोगों ने लगभग 90% हम लोगों ने लोकेशन ढूंढ लिया है। अब प्रयास कर रहे हैं, पिंजड़े भी लगाए गए हैं और हमारे कैमरे भी लगाए गए हैं। आज हमने खाबड़ भी लगा दिया है, ड्रोन कैमरे से हम चेक भी कर रहे हैं, उसको ढूंढ भी रहे हैं। इसके अलावा हमारी 5-6 टीमें गांव-गांव में जा कर के रात भर जागरूकता कार्यक्रम कर रही है, दिन भर जागरूकता कार्यक्रम कर रही है, पटाखे दगा रही है ताकि गांव साइड में न जाने पावे। लेकिन वो इतना सातिर है कि बीच में अगर 1 घंटे का भी, आधे घंटे का भी गैप हो जाता है तो वो वहाँ कांड कर दे रहा है। देखो साहब, घटनाओं के आंकड़ों पर अगर बात की जाए तो आपके विभाग, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? सही है, जोरावर। ये बताइए कैसे क्या हुआ है? किनारे रहे, अब हम सबसे नहीं जो लड़का आपके यहाँ ले गया, कितने साल का था? 8 साल के रहा। क्या नाम था उसका? किशन। माता जी क्या नाम है? शीला। शीला, कितने रात में कितने बजे घटना है? 2 बजे। 2 बजे।